So today we'll discuss a new topic called as reaction mechanism. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, पहले तो आज हम इसका बेसिक्स वगैरह लेते हैं और कुछ SN1 SN2 के बारे में बात करेंगे. बेटा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले बात की जाए कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स की थ्योरी कैसे आई, क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या होती है. तो पहले ये समझ लो व्हाट इज अ मैकेनिज्म. मैकेनिज्म इज स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म जो होती है, इट इज जस्ट अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन. स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन. रिएक्शन का मतलब है केमिकल चेंज. लैब में अगर प्रैक्टिकली बात करें तो क्या होगा, कैसे हुई होगी रिएक्शंस, क्या प्रोबेबल थ्योरी रही होगी उस पर, किसने पहले अटैक किया होगा और क्या बनाया होगा, क्यों नहीं बनाया होगा, वो सारी चीज़ें हम रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखने वाले हैं. गॉट इट? तो जिन जिन को मैकेनिज्म में डर लगता है ना बेटा, एक रफली आइडिया बताता हूँ आपको, उसको करके देखो, मतलब प्रैक्टिकली करवा के देखो कि क्या हो सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक इक्वेशन जो कि आपने किया होता है, कीटो इनॉल फॉर्म. कीटो इनॉल फॉर्म एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट माना जाता है. ठीक है, तो कीटो इनॉल फॉर्म में दो पार्ट होते हैं और तुम खुद बताना कि मैकेनिज्म क्या हो सकती है, प्रॉबेबल मैकेनिज्म क्या होगी. ये दो तरीके से करवाई जा सकती है, या तो ये करवा सकते हैं एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलाइज हो सकती है, या फिर ये बेस कैटलाइज हो सकती है, या बेस कैटलाइज्ड. ठीक है, दो फॉर्म में एग्जिस्टेबल है इसकी, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज. अब सवाल ये उठता है कि कीटो इनॉल फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है. देखो कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर बात करें तो ये हो गया आपका कोई कीटो फॉर्म, जैसे कीटो फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, इनॉल फॉर्म में. इनॉल फॉर्म में बात करें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म. अब ये यहां से यहां कैसे गया होगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. पहले हम बात करते हैं बेस कैटलाइज की. ठीक है, पहले हम बात करते हैं बेस कैटलाइज की. ट्राई करो जरा क्या हुआ होगा. ये रहा आपके पास कोई भी कीटोफॉर्म, दिस इज कीटोफॉर्म. ऑलराइट, इस कीटोफॉर्म के पास क्या क्या है और इस बेस के पास क्या होगा, लेट्स अटैक ऑन दैट. तो कीटोफॉर्म जो है उसके पास ऑक्सीजन है, लोन पेयर्स है, उसके पास हाइड्रोजन है. कौन से हैं, ये वाला हाइड्रोजन है. दीज हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन अ बिट मोर एसिडिक. अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं थोड़े से एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं, मतलब वो आसानी से जा सकते हैं. अब अगर बेस अप्रोच करेगा इसकी तरफ तो क्या होगा, सोचो जरा. अगर बेस अप्रोच करेगा, बेस क्या देगा बेटा आपको, OH नेगेटिव देगा. ठीक है, एक बात दिमाग में रखना, कहीं पर भी कोई भी ऑक्सीजन अगर पड़ा है, कहीं पर भी ऑक्सीजन अगर कहीं पर है तो वो प्रोटॉन चाहता है. ऑक्सीजन हमेशा कैप्चर किसको करेगा, प्रोटॉन को करेगा. ऑक्सीजन ऑलवेज कैप्चरिंग द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की तरफ भागेगा. अब कौन सा प्रोटॉन पहले कैप्चर करेगा, सवाल ये उठा बेटा. यहां प्रोटॉन कहां है, सोचो जरा, यहां प्रोटॉन कहां है. प्रोटॉन जनरेट करवाना पड़ेगा ना, तो प्रोटॉन कैसे जनरेट होगा. ये जो है क्या करने की सोचेगा, सोचो जरा, ये OH जो था वो प्रोटॉन कैप्चर करना चाहेगा, तो इसका मतलब ये OH इस पे अटैक करे. दिमाग में बैठा लेना, कहीं पर भी कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जहां पर ऑक्सीजन है तो हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करता है, किसी भी मैकेनिज्म में देख लेना, किसी भी मैकेनिज्म में. तो ये क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, और कैप्चर करके क्या बनाएगा, सोचो जरा, कैप्चर करके क्या बनाएगा, इसको ले गया यहां से. ठीक है, माइनस ऑफ H2O हो गया. अब क्या बचा है इसके पास, टेल मी क्या बच गया इसके पास, नेगेटिव चार्ज बच गया. भाई ये ऐसे गया ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इसको देके गया, H पॉजिटिव हो गया. H पॉजिटिव हो गया तो OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना गया, बाहर निकल गया. अब क्या हुआ, अब हुआ ये, हमारे पास सिचुएशन आ गई ये,
नाउ तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे डबल डबल एज्यूम कर सकते हैं ना, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया ना, रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर। तो मतलब ये जो स्पीसीज है ये क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है बेटा, ठीक है। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इवन तो इसका हाइब्रिड भी लिख लेते हैं। हाइब्रिड क्या बनेगा जरा सोच के देखो आप, हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, ये तो इसका हो गया सिंगल स्पीसीज जो अनटच रहे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पे रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पे रहा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे रहा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे रहा, दिस इज द हाइब्रिड। क्लियर हुआ, अभी भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। अब जरा देखते हैं हम लोग ये कैसे बन रहा है, दिस स्पीसीज दिस इज कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म था और ये था इनॉल फॉर्म। मैं सिर्फ एक प्रोबेबल मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, जो बेस्ट एक्सेप्टेड होंगी वही एक्सेप्ट की जाती हैं बस, बेस्ट थ्योरीज। तो जरा अब सोचो अब क्या हो सकता है, अब क्या क्या पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर, पानी पड़ा है पहली चीज़ तो, ये सॉल्वेंट बहुत सारी मात्रा में अमाउंट में काफ़ी अमाउंट में सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज पड़ा है ना। अब जरा सोचो ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है कि ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, जरा चेक करके देखो बेटा विच वन इज मोर स्टेबल, बताओ जरा विच वन इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, विच इज मोर स्टेबल, ऑक्सीजन। अब बेसिक्स पढ़े उसका यूज तो करो, ठीक है। अब क्या होगा इस हाइब्रिड पे, देखो इन दोनों ये तो आपकी ट्रांजिशन स्टेप ही होती है, एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल एग्जिस्टेंस तो हाइब्रिड करेगा, तो इस हाइब्रिड पे अटैक होना है, तो हम कहेंगे ये जो हाइब्रिड बना है इस हाइब्रिड पे अटैक करवाते हैं, दिस हाइब्रिड इज दिस वन पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, लेट अस से अब कौन आएगा अटैक करने के लिए, सोचो जरा क्या क्या स्पीसीज अवेलेबल हैं इसके पास, चेक करो। कीटोन तो ये खुद ही था पहले, ठीक है, OH डाला था बेस, बेस डाला था तो उसने OH ने अटैक कर दिया। अब सॉल्यूशन में क्या है जो उस पर अटैक करे, पानी पड़ा है बस, तो पानी ही आएगा इस पर अटैक करने के लिए, और वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, लेट से वाटर आया, वाटर बेटा ऐसा होगा ना, और मैंने कहा था कहीं पर भी ऑक्सीजन है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बात आई। अब ये कहाँ अटैक करे, इस पर अटैक करे कि इस पर अटैक करे, अब प्रोटॉन अटैक करने वाला है, ये ऑक्सीजन प्रोटॉन को खींचेगा वाटर से, कहाँ अटैक करे सोचो जरा, क्या यहाँ से कार्बन इसको खींचे या ऑक्सीजन इसको खींचे, ऑक्सीजन खींचेगा, रीजन क्या है, दिस इज मोर स्टेबल दिस इज लेस स्टेबल, बात कह सकते हैं हम लोग। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है इसके प्रोटॉन को खींचेगा और बच के आ जाएगा, कैटलिस्ट का काम तो यही तो होता है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होकर खुद बाहर निकल जाए, ठीक है। और अब क्या हुआ, आप देखोगे कि ओ नेगेटिव, मतलब एक तरह से यही हो गया कि इस पे अटैक किया इसने, तो ये क्या हो गया OH हो गया, और ये जो पार्शियली बॉन्ड करेक्टर अब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड बन गया, दिस इज कॉल्ड एज इनॉल, इन प्लस ऑल वी कॉल्ड एज इनॉल फॉर्मेशन। आप चाहो तो इसको लेके भी करवा सकते, तो देखो हमने कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना दिया विद द मैकेनिज्म, दिस इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को रटो मत बेटा कभी भी, अगर रटने लग गए ना तो तुम मैकेनिज्म में धज्जियां उड़ा दोगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो गया मैकेनिज्म में, समझो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कौन अटैक किस पे करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, मैकेनिज्म यूँ होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अब देखो इस मैकेनिज्म का बेनिफिट तुम्हें बताता हूँ, मैं इस मैकेनिज्म का बेनिफिट बताता हूँ, नोट डाउन कर लिया फास्ट, लेट्स सी। ये तो हमने बात की बेस कैटलिस्ट की, अब जरा सोचते हैं एसिड कैटलिस्ट में कैसा रहा होगा ये रिएक्शन, अगर एसिड कैटलिस्ट करवाते हैं तो किस तरह से कही होगी, लेट्स एज्यूम भाई होना तो यही है कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनेगा, है ना, चलो देखते हैं बेटा, और खुद भी ट्राई करो कि कैसे हो सकता है
क्योंकि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे ना, काम नहीं होगा। यस, नाउ लिसन केयरफुली। देखो बेटा, ये हमारे पास कीटो है, दिस इज कीटोफॉर्म, है ना? फोकस ऑन हियर, दिस इज कीटोफॉर्म। अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं जरा उसको लिख लेते हैं। एसिड कैटलिस्ट है, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में खूब सारे H पॉजिटिव तो पड़े हैं, साथ में वाटर भी पड़ा है, ये भी है ना बेटा। इस ऑक्सीजन पर लोन पे रहें जी। अब मैंने एक बात कही थी आपको, अगर कहीं ऑक्सीजन है किसी भी मैकेनिज्म के अंदर, तो वो क्या खाना चाहता है? बस उसको प्रोटॉन दिख गया, बस उसको खाने के पीछे पड़ गया। वो सेम आपकी तरह है, जहां आपको खाना दिख गया वहां भागते हैं, वैसे ही ये भागता है। तो ऑक्सीजन दिख गया तो प्रोटॉन की तरफ अटैक करेगा। अब प्रोटॉन को अटैक कैसे करेगा भैया? प्रोटॉन को अटैक ऐसे करेगा ये, कि ये प्रोटॉन को कैप्चर करे, ठीक है? जैसे प्रोटॉन को कैप्चर करेगा ये बन जाएगा OH, और OH पॉजिटिव हो जाए, OH पॉजिटिव हो जाए, होगा? आप इसको ऐसे नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ ही रहे, वो नहीं देने वाला कार्बन को। सोचो, अब पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इससे लेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये जो कार्बन बैठा था यहां पर, ये जो कार्बन था ये ऐसा था। अब जरा सोचो क्या क्या हो सकता है। इस कार्बन पे यहां हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, वेरी वेल नो। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सो सो है, लेकिन साथ में कौन है? इधर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो चाहेगा कि पॉजिटिव पूरा करे। भाई कमजोर है तो उसे छीनना चाहेगा ना, और छीनेगा कैसे? जब वहां से एच पॉजिटिव को भगाए किसी तरह से, भैया भगाए इसको यहां से। अब कैसे भगाए इसको? भगाने के लिए कोई होना तो चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे, नहीं तो प्रोटॉन बेचारा दुनिया के अंदर अकेला रोता फिरेगा। तो कौन है वहां पर? देखो ये पड़ा हुआ था अंदर ही, ये पड़ा हुआ था। तो ये जो था वाटर, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ये वाटर जो था वो क्या करे? वो साइमल्टेनियसली इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर ले। जैसे इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, होगा। अब किस फॉर्म में निकला जरा सोचो, ये किस फॉर्म में निकला? जैसे इसको कैप्चर करेगा ऐसे ही पॉजिटिव बन गया। पहले भी तो यही था मेरे पास, अब भी वही है, लेकिन ये अपना काम कर गया। क्या कर गया? यहां OH हो गया और यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। क्या बना ये? मैंने क्या लॉजिक लगाया? कंसेप्ट, बस सोचा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। बेसिक्स पूरा पढ़ने के बाद में आई डोंट थिंक कि अब आपको डाउट होनी चाहिए, नो डाउट। पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सोचना बहुत पड़ेगा, तो जो दिमाग पे तुम्हारा जंग लग गया ना उसको पॉलिश करो और बताओ। इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो हमें न्यूक्लियोफाइल बेसिसिटी और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानना है। पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यही कहा जाता है। मतलब ये चाहते हैं कि कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन मिले। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। भाई ये डेफिनेशन पढ़ते हो ना आप, है ना? इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन कोई कब चाहेगा? जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी कब हो सकती है? जब वो आयनिक फॉर्म्स में हो, पहला पॉइंट, और वो भी कौन से? कैटायनिक फॉर्म में, तब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। एग्जांपल्स H पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, या आयन्स हैं आपके, इवन दो HG2 पॉजिटिव, इनमें क्या कमी है?
इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, खाली ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहते हैं इलेक्ट्रॉन आए इनके पास। और कौन से हो सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करें, वो भी हो सकते हैं। कुछ हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, तो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती होगी, सोचो जरा। कार्बोकोटाइन पहला, और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन कमी है। अनपेड मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन, वही तो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लाइक कार्बोकोटाइन, ठीक है, लाइक कार्बीन। अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ गए, सॉरी फ्री रेडिकल और स्पीसीज को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बीन। कार्बीन भी जो होते हैं ना, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। आप काउंट करके देखो, दो इधर है, एक लोन पेयर है, तीन हो गए टोटल sp2। sp2 मतलब एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, खाली पड़ा है तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए उसके पास आसानी से, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो कुछ न्यूट्रल स्पीसीज की बात करते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज में अगर देखा जाए तो कौन से हो सकते हैं, लाइक लेविस एसिड्स, समझ में आया, लेविस एसिड कौन से, BF3, AlCl3, FeCl3, ये सारे के सारे क्या थे, लेविस एसिड्स, ठीक है। तो BF3, AlCl3, FeCl3, ठीक है, इवन दो ZnCl2। अब यहां तो समझ में आ गया तुम्हें क्या है इनकेस में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैं लिखता हूं इस बात को कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक ऑर्बिटल्स खाली है। जैसे आप देख लो यहां पर बोरॉन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन बॉन्ड बनाए, छह इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिला है। यहां पर भी सेम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, छह इलेक्ट्रॉन मिला। इन केसेस में क्या हो गया बेटा, यहां याद रखना, जो आयरन हो गया, जिंक हो गया, दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द एम्प्टी डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहां इन केसेस में क्या हुआ, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आप कैसे निकालोगे बेटा, देखो जरा Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन लिख के देखो, आपको डी ऑर्बिटल खाली दिखाई देंगे। Zn2 पॉजिटिव है, ऑर्बिटल खाली मिला मेरे को यहां पर, और अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास। सो दीज स्पीसीज आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जरा न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होंगी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इसका मतलब दे हैव द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन किसी को दे, तो इलेक्ट्रॉन जा किसी के पास ऐश कर, ये वाली स्टोरी होगी यहाँ पर। तो कौन कौन हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल रीजन की बात करें हम लोग, कुछ न्यूट्रल रीजन की बात करें, न्यूट्रल रीजन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, सोचो जरा। न्यूक्लियोफाइल्स में अगर न्यूट्रल रीजन की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, अमोनिया हो सकते हैं जिसके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है। ईथर हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अमाइंस हो सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। वाटर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, एसेक्ट्रा खूब सारे हो सकते हैं। वे ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो दे सकते हैं, अवेलेबल है किसी के पास जाने के लिए, गॉट इट। और इन सब पे कोई चार्ज भी नहीं है, दे आर न्यूट्रल स्पीसीज। इवन दो हम बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो आपके बिहेव कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, X नेगेटिव हो गया, SH नेगेटिव हो गया, एसेट्रा। नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, दे सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। जो बात याद रखनी है वो है ये, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स पे, और व्हाट इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, लाइक RMGX जिसको हम क्या बोलते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। एक ये बहुत फेमस रिएजेंट है, दूसरा
ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको कहा जाता है गिल्समन्स रिएजेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज गिल्समन्स रिएजेंट। इवन RLI, क्या नाम होगा इसका, अल्काइल लिथियम, ठीक है। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मेटालिक मतलब मेटल्स हो। अब ये कैसे होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम कर रहे हैं, जरा सोचें इस बात को, क्योंकि GR की तो रिएक्शन खूब सारी है हमारे पास, बार बार इन्वॉल्व होंगी, तो कैसे हैं ये चेक करते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ RMgX, ठीक है, अब जरा सोचना बेटा, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है एक तरीके से, ठीक है, तो इस पर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल्ड हुए, पास समझ में आई। अब जरा सोचो, अब मैग्नीशियम के कंपैरेटिव यहाँ कार्बन है, मैग्नीशियम के कंपैरेटिव यहाँ पर कार्बन है, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वाली बॉन्ड जो है वो कौन सी है आयनिक बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा है कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इससे छीनना चाहेगा, तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर डेल नेगेटिव चार्ज है इस पर, कार्बन पे डेल नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये अवेलेबल है किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एंड देन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेम केस विद दिस, यहाँ पर क्या रहेगा डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव रहेगा, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव रहेगा, सेम इज दिस मेटल है तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव रहेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन देने के अवेलेबल है, बात पल्ले पड़ी। सो दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ याद रखना बेटा, RMgX में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, इस पे पॉजिटिव रहेगा और इस पर नेगेटिव रहेगा, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इस बात को ध्यान रखना, रिएक्शन जब मैकेनिज्म्स होंगी तो वहाँ पर RMgX की बात करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हमेशा पाया जाएगा और यहीं से क्लीव होगा फिर वो, ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन दिस। नाउ ठीक है, अब इसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को होल्ड करते हैं एक बार, पहले हम समझते हैं सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डालता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्वेंट जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, ये दो तरीके के होंगे, या तो कैसे हो सकते हैं बेटा, पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं बेटा। नॉन पोलर जिसके अंदर डायपोल मोमेंट कितना, जीरो, ये बात समझ में आ गई, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट वो जीरो माना जाएगा, तभी तो नॉन पोलर स्पीसीज कहलाएगी ये, ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, यहां पे जो डायपोल मोमेंट है ये नेट डायपोल मोमेंट है, इसको पूरा लिखना चाहो तो नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, ठीक है। दे आर जनरली गुड फॉर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके लिए ठीक है, चल जाता है, वो रिएक्शन कर जाते हैं, तो ये याद रखना, जनरली गुड फॉर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं। एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कि CCl4 हो गया, C6H6 हो गया, CS2 हो गया, एसेट्रा, इन मीडियम के अंदर करवा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मीडियम, ठीक है, नॉन पोलर नॉन पोलर को फेवर करता है, पोलर पोलर इंटरमीडिएट को फेवर करता है। अब ये जो पोलर है इसके भी बेटा दो कैटेगरी, पहली बात करें पोलर वो होंगे जिसके अंदर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब ये भी बेटा दो स्केल में ब्रॉडली डिवाइडेड है, एक आ गया पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा आ गया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट।
क्या मतलब है पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक का? प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन देने के कैपेबल है, ठीक है। तो लिख लेना, इट हैव एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक प्रोटॉन, जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन होता हो इन इट, ठीक है। पोलर अप्रोटिक में विच आर नॉट कैपेबल ऑफ या विच डू नॉट हैव एसिडिक प्रोटॉन्स, सीधी सी बात करें तो बात कर लेते हैं, विच डू नॉट हैव एसिडिक प्रोटॉन, जिनके पास एसिडिक प्रोटॉन ना होता हो, ठीक है। यहां पर पोलर प्रोटिक में दीज टाइप ऑफ स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल रहेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसमें, हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, कैपेबल होगा, हाइड्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जबकि यहां पर अगर बात करें तो क्या होगा, इनके पास अगर हाइड्रोजन है भी तो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल दो हाइड्रोजन निकाल नहीं पा रहे हैं, पहली बात तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी वहीं पर रुक गई, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि हाइड्रोजन आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पे हाइड्रोजन होगा आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इनकैपेबल्स हैं, ठीक है। दोनों में बात समझ में आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसके दैट इज एग्जांपल्स, एग्जांपल पे फोकस करने हैं आपको। अगर पोलर प्रोटिक की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है बेटा, वाटर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक कहलाता है, हम जनरली बोलते हैं फोन के साथ जुड़ा हुआ, एफ ओ एन के साथ, ठीक है। इवन दो एल्कोहल्स, ये एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और कौन से हो सकते हैं, अमाइंस, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, अमोनिया एसिडिक है, एसिड्स, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, HF, हो पाएगा। यहां बात करें बेटा पोलर अप्रोटिक की, ये क्या है, एसीटोन, हाइड्रोजन है बट इट इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देन DMSO, that is called as dimethyl sulfoxide. पूरा नाम क्या है इसका, ये लिख देता हूँ मैं, dimethyl sulfoxide. स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर टू एसिटोन, बट ओनली डिफरेंस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, याद रहेगा, इट्स अ वेरी गुड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वेरी गुड पोलर अप्रोटिक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा। देन ठीक है, और हम बोल सकते हैं एक स्पीसीज और रहेगी जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, दैट्स नेम इज, हाँ ये एक बोल सकते हैं हम लोग, क्या नाम होगा बेटा इसका, अगर यहां पे NH2 होता तो फॉर्मामाइड होता, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड,
डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, बोल सकते हैं ना, तो इसका नाम याद रखो, दैट इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएमएफ, लिखा जाता है ना कई बार डीएमएफ मीडियम के अंदर, टीएसएच के अंदर, तो वो सारी चीजें। तो एक बार पूरा सॉल्वेंट का रोल देखें हम लोग। सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट को ब्रॉड स्केल पे डिवाइड किया गया है पोलर और नॉन पोलर पे। नॉन पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और इनके पास कैपेबिलिटी होती भी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जनरली सारे के सारे जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, ये सब नॉन पोलर्स है, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो माना जाता है। सारी पिक्चर है पोलर पे, पोलर प्रोटिक पे। पोलर को दो में डिवाइड किया गया, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। प्रोटिक जो कैपेबल है एसिडिक हाइड्रोजन देने के, एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट कर पा रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट कर पा रहा है तो एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबल कर सकता है, ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर, एल्कोहल, अमाइंस, अमोनिया, HF एसिड्स, इन सब के पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि दे आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एसीटोन हो सकता है, DMSO जो बहुत अच्छा नॉन अपलोर सॉरी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट माना जाता है, DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। एसीटोन के तरीके होता है कार्बन को हटा के सल्फर कर दो, फिर आता है आपके पास दैट इज डाईमिथाइल DMF डाईमिथाइल फॉर्म दैट इज फॉर्मामाइड। तो फॉर्मामाइड हो जाता है CONH2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे, फॉर्म मतलब एक कार्बन है, इसकी नॉर्मल क्लीचर करेंगे तो फॉर्मामाइड बन जाता है, और NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डाईमिथाइल मिथेनामाइड, IPC नेम हो गया, तो DMF हो गया, याद रहेगा, नोट डाउन दिस। नाउ सी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों के बाद समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक बात कहता हूं बेटा आपको, एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल, और क्यों होगा, और क्यों होगा, वह न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कहीं पे डोनेट करे, चाहेगा। अब सेकंड स्पीसीज में देखोगे डबल सिंगल डबल हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल हो रहा है, मतलब रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक एटम पे कम हो रही है, अगर कोई लेना चाहेगा तो उसके पास से कम है, यहाँ पर ये पड़ा है जी, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि यहाँ अल्काइल ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज बेटर न्यूक्लियोफाइल। बस है भाई, दूसरा क्वेश्चन इस तरह की चीज़ आ जाए जैसे कि CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, नाउ टेल मी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और क्यों, ऑर्डर तो मैं भी बता दूं, तुम बता दो क्यों। जरा एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम लोग, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, विद इन सेम पीरियड में जा रहे हैं ना बेटा, और सेम पीरियड जब होता है तो हमें क्या चेक करना चाहिए, ऑलवेज चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होता है इट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, कब, जब सेम पीरियड हो, तब सेम पीरियड में हो तो बेटर हो गया ये, ठीक है। अब इसका रीजन क्या समझाओगे,
अब बोलोगे सर फ्लोरीन छोटा मॉलिक्यूल है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, आराम से दे पाएगा किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई सीधी सी बात है, कार्बन की बात करें और फ्लोरीन की बात करें तो सेम पीरियड में जब बात करते हैं तो साइज इतना मैटर नहीं करता। क्या नहीं मैटर करता? साइज मैटर नहीं करता। एक सीधी सी बात है, एक ये पेन है मेरे हाथ में और एक पेन है ये, कैप बना लेते हैं जो भी है कुछ भी मान लो, तुम इसको छीन पाओगे या इसको छीन पाओगे? आई नो बहुत वियर्ड सा एग्जांपल है, कौन सा छीन पाओगे? क्यों? क्योंकि ये वीक बॉन्ड से जुड़ा है। ये अगर बन गया मतलब दीवार में खोद के बना दिया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा है। सीधी सी बात है ना। मतलब अगर फ्लोरीन की बात करूंगा तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नहीं देने देगा। मतलब फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, ये जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस होगा ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा जबकि कार्बन जो होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नथिंग, जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू समवन एल्स, किसी और का इलेक्ट्रॉन दे दे, बस सीधी सी बात है। अब वो देगा कब? जब उसके पास पावर कम हो। छीन के रख लिया इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास, टाइट पकड़ के रख लिया तो वही खिंचा हो रही है। वहां से कोई आ रहा है मुझे दे मुझे दे मुझे दे, ये बोलेगा मैं नहीं दूंगा। भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो छीन के रखेगा अपने पास, चिपका के रखेगा, उसको नहीं देने वाला। जब देगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कैसे करेगा वो? बात समझ में आई? बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल इज CH3 नेगेटिव देन। तो OH नेगेटिव और F नेगेटिव में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि OH नेगेटिव जो होता है या F नेगेटिव में जो होता है कि ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो यहां पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं तुम्हें इसी की तरह, जैसे कि आ गया एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव। अब क्या करें? अब क्या करें बताओ बेटा, आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये सब किस में है? विदिन अ ग्रुप। अब ये क्या है? सेम ग्रुप में आ गया, तो सेम ग्रुप में आ गया तो क्या चेक करना चाहिए हमें? साइज चेक करें, सीधी सी बात, चेक साइज। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन मिलेगा। भाई एक तरह से देख रहे हो क्या? बेसिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक नेचर की तरह। बेसिक नेचर इज ऑल्वो ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड बेसिक नेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एसिडिक जो होते थे, एसिडिक नेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन माने जाते थे। ये ध्यान रखना, सबको एक साथ क्लम करके याद रखो। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन होगा? एफ नेगेटिव। क्यों होगा ये बताओ। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर लिखा ना आपने, दिस ऑर्डर, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं सेम ग्रुप के लिए, इन सेम ग्रुप चेक ये करेंगे। ये जो ऑर्डर लिखा है, दिस ऑर्डर इज ओनली इन गैशियस और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। याद रखने है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर बात करें, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो बेटा ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझते हैं। पहले तो इसकी बात करते हैं कि गैसेस स्टेट में आई नेगेटिव जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल बना जबकि एफ नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना। क्यों भाई? यहां पे क्या चेक नहीं करना? इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक नहीं करना जब साइज का मैटर होता, मतलब जब ग्रुप का मैटर होता। तो अब जरा समझते हैं बेटा बात को। ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, यही है ना साइज में? अ ह्यूज वेरिएशन इन द साइज। अगर ह्यूज वेरिएशन है साइज के अंदर तो ये कहानी चलेगी। इनके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर है भैया,
और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करो कोई प्रोटॉन आ रहा है इसकी तरफ अटैक करने के लिए, कटाइन आ रहा है कोई अटैक करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बस इतने से एरिया में सर्कुलेट होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन आ रहा है मान लीजिए इस पर अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, ये आराम से घूम फिर के आएगा, तो जब वो आएगा उसको नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा उसको। यहाँ पे छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिली, बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी डीलोकलाइज होगी, एक तरीके से डिस्पर्स होगी पूरे एरिया पे, सर्कुलेटेड होगी पूरी एरिया पे, सर्कुलेटेड होगी तो अवेलेबिलिटी कम मिली किसी भी आने वाले कटाइन को। अब यहाँ पे समझते हैं इस बात को कि यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो गया। जहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है, डेट इज सॉल्वेशन। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट हमेशा लागू करेंगे, ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऑलवेज थिंक फॉर सॉल्वेशन। यहाँ पर सॉल्वेशन के बारे में ज़रूर सोचना, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन के बारे में। भाई पोलर प्रोटिक है, मान लो कि यहाँ पर वाटर है, खूब सारा वाटर पड़ा है, उसके अंदर ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सॉल्वेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर स्पीसीज, चाहे कटाइन हो चाहे एनाइन हो, होगा ये बात। तो बेटा ये बात समझिए, होना ये चाहिए था कि एफ नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, बट हो क्या गया जरा बात को समझना। वाटर खूब सारा पड़ा है, ठीक है, तो ये वाटर इसके चारों तरफ जो सराउंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरह से है, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ वापस, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से ये इस तरह से घिर जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से सपोज करो, तो आने वाला जो कटाइन होगा क्या वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक कर पा रहा है, ले पा रहा है उसको, या ये दे पा रहा है उसको, सराउंड हो गया ना, घिर गया जी। छोटा साइज जो होता है, स्मॉलर साइज ऑफ कटाइन एंड एनायंस फेवर्स द सॉल्वेशन इफेक्ट। तो जब भी पोलैरिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात आएगी तो ये बात दिमाग में रखना कि वहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट लागू होगा, अगर छोटा साइज है तो, बड़ा साइज है तो कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं। अगर आता भी है तो बड़ा साइज है, मान लो इतना बड़ा साइज है तो एक वाटर मॉलिक्यूल छोटा सा चुन्ना सा उधर लटका रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ से चली जाएगी, समझ में आई बात। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में या फिर गैसेस स्टेट में हम जब बात करेंगे तो ऑर्डर ये होगा, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल इन एचएफ मीडियम, इन एचएफ मीडियम, इन डीएमएसओ मीडियम, तो एचएफ पोलर प्रोटिक है, डीएमएसओ पोलर अप्रोटिक है, कहानी समझ में आ गई, या इन सीसीएल फोर मीडियम, ऊपर ही रहना, नॉन पोलर मीडियम में भी सेम कहानी चल रही है, बात समझ में आई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर, ये लिख लो फटाफट, लास्ट 5 मिनट्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझो, बेसिसिटी की क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या होती है, फिर इस क्वेश्चन पे देखते हैं जिसमें आपको ये बताना है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है। लेट्स सी, व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी इज समथिंग कैप्चरिंग द प्रोटॉन। बेसिसिटी क्या होता है, कैप्चरिंग प्रोटॉन, मतलब बेसिसिटी के अंदर प्रोटॉन को कैप्चर करने की बात आएगी, ठीक है, जबकि अगर यहां बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज कैप्चरिंग कार्बन पॉजिटिव चार्ज और कार्बन डेल पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी कार्बोकटाइन और इट मे बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैप्चरिंग की स्पेलिंग गलत है ना, सी ए पी ऐवे ही कहते हो, सही तो थी, कैप्चरिंग कार्बन पॉजिटिव और कार्बन डेल पॉजिटिव। जब हम कार्बन पॉजिटिव की तरफ अटैक करने की कोशिश करेंगे तो ऑलवेज थिंक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस,
या पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करना है, तो वहाँ पर एक चीज़ आएगी, कितना स्टेरिकली हिंडर्ड है वो, वहाँ स्टेरिक हिंडर मैटर करेगा। तो ऑलवेज थिंक, इन दिस केस याद रखना, थिंक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में सोचना है। ठीक है, अब बता दो, इतना हिंट दे दिया आपको, पहले बेसिस सिटी, द बेसिस सिटी ऑर्डर इज, ठीक है, क्यों है? देखो आप देख रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है और मिथाइल मतलब मिथॉक्साइड है ना एक तरीके से। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है भैया, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तीन डायरेक्शन से देंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो प्रोटॉन अगर कहीं से अटैक करेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दे पा रहा है। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर बेटा उल्टा हो रहा है यहां पर, क्यों ऐसा? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब कोई कार्बन पॉजिटिव आ रहा है अटैक करने के लिए, तो बेटा सोचो जरा, यहां पर ये इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करना चाह रहा है, मान लीजिए ये बल्की ग्रुप, ये खुद भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, और स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है वो इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब अल्काइल ग्रुप को देखते हो ना आप, ये जैसे आप इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और कौन आ रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, और इधर देखो ऐसे है ना, ये तो काफी ज्यादा बल्की हो गया हर तरफ से, तो ये जो कार्बन आएगा इसका भी तो कोई साइज होगा जी, और साइज होगा तो फिर वो अटैक नहीं करने देगा उसको। तो जब भी आप बात करो न्यूक्लियोफिलिसिटी की, क्या सोचना है हमें, स्टेरिकली हिंड्रेंस के बारे में सोचना है, और जब भी बात करो बेसिसिटी की, क्या सोचना है हमें, तब कुछ नहीं सोचना है, बस ये बात ध्यान रखना है कि आपका क्या ना हो, प्रोटॉन जो है कितनी आसानी से आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में सोचना है, कुल मिला के बात यह है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, इट इज बेसिकली द कैप्चरिंग द कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी एनीथिंग, वो आपका कार्बोकैटायन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, दैट इज द थिंग। ऑलराइट, सो बेटा बेसिक्स प्लीज रिवाइज करना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के लिए आप और भी एग्जांपल्स सर्च कर सकते हो, वैसे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स बार बार आएंगे, बार बार डिस्कस करेंगे, बेसिक आइडिया आपको दे दिया मैंने। ऑलराइट, चलो कल से स्टार्ट करेंगे SN1 SN2 पे।